है वहां पे एक तो कोई तो जगह है। एक तो यार मेरे को समझ में नहीं आता कोच लोग का काम क्या होता है एंडी अपने इसमें, क्या बोलते हो? मेरे ख्याल में कोच लोग का ज्यादा इंटरफेरेंस इन द लाइनअप विदाउट सारे प्लेयर्स की रजामंदी अच्छी बात नहीं है, क्या लगता था? लेकिन जो कोच लोग हैं ना अपनी कम्युनिटी में, एक दो हैं एक दो जगह, वो लोग कुछ ज्यादा इंटरफेयर करते हैं भाई, ज्यादा ही मतलब बहुत ज्यादा। उन लोग को और कोई काम नहीं रहता, मतलब समझ रहे हो, उन लोग को यही रहता है कि ऐसे भेंडी खुद के ऊपर ब्लेम ना आए, प्लेयर्स के ऊपर ब्लेम डाल दिया जाए, या तो फिर कोच बन बनी क्यों रहे हो? अगर कोई टीम परफॉर्म नहीं कर रही है, वो सब कर रही है जो कोच बोल रहा है, तो फिर वो कोच की गलती है ना भाई। अभी आजकल तो ठीक है, कोच लोग कुछ भी कर रहा है। अभी कोई तो और के कोई तो प्लेयर्स को बेंच कर दिया गया है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू देयर कोच। वो कोच कुछ ज्यादा ही महान प्लेयर है भाई, मतलब थोड़ा सा इतना महान प्लेयर है कि उसको पबजी मोबाइल के बारे में, सॉरी बीजीएमआई के बारे में उन प्लेयर्स से ज्यादा पता है, समझ रहे हो? समझ में आ रही है बात? अभी उसका कुछ नहीं कर सकते मैं इंडिया, लेकिन वो कोच शायद ये बोल रहा है कि उसका करियर खत्म है अभी, अगर वो ऐसा ऐसी सब हरकतें कर रहा है, प्लेयर्स के साथ गलत कर रहा है, समझ रहे हो? घातक को जो जिसको तुम बोल रहे हो घातक कोच है भाई, पहली बात मेरी ध्यान से सुनो, घातक प्लेयर स्लैश कोच है, घातक अपनी टीम का आईजीएल रह चुका है। घातक को जितना पता है बीजीएमआई के बारे में उतना और किसी को नहीं पता। मैं बात कर रहा हूं उन तत्वों की जो अपने गेम को कभी खेले नहीं लेकिन फिर भी ज्ञान चोतते हैं कि अपने गेम्स गेम की नॉलेज उन्हें अपने से ज्यादा है, समझ रहे हो तो मेरी बात? मैं उन तत्वों की बात कर रहा हूं, मैं घातक की बात नहीं कर रहा, मैं सारे कोच को टारगेट नहीं कर रहा। जो लोग खेल के, जैसे सेंसे को तुम अगर जानते हो जो एग्जो में, सेंसे भी इन फ्यूचर अगर कोच बनता है तो इट्स फाइन, कोई बिटी नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी खेल चुका है, समझ रहे हो, वो ऑलरेडी खेल चुका है। मैं इन शॉर्ट उन तत्वों की बात कर रहा हूं जिनको गेम के बारे में लंड नहीं पता लेकिन फिर भी ज्ञान चोदना है,